Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो टेलीग्राम पे हमने कराए थे लास्ट डे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो ये साइट है strategypcs.in, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, और ये ऐप है हमारी स्ट्रेटजी पीसीएस। लेट्स मूव। हमने जो क्वेश्चंस किए थे, आत्मीय सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1815 बाय स्वामी विवेकानंद। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में करी गई थी। ये सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देख लीजिए कि आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में करी गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। 1815 में करी गई थी, ये भी ठीक बात है। बट ये स्थापना स्वामी विवेकानंद ने नहीं करी थी, ये स्थापना करी थी आपके उन्होंने राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, इसलिए इस ये क्वेश्चन हो गया फॉल्स। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में करी थी। ये क्वेश्चन किसका किसका गलत हुआ था? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो कि अक्सर पूछते हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, कराची रिजोल्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। इसमें मैं आपको मोटा मोटा आइडिया देता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किसका आंसर क्या होगा। देखो, कराची रिजोल्यूशन जो था वो जब हुआ तो गांधी जी की बहुत आलोचना करी गई कि वो भगत सिंह लोगों को बचा नहीं पाए। तो उससे पहले भगत सिंह लोगों को फांसी हो गई थी, यानी जो 3 है उससे पहले 4 आएगा, और बचा नहीं पाए थे। तो उससे पहले तुम्हारा क्या हुआ था? उससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये हुआ था 2। अब उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तुम्हारी कब हुई? तो गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ उसकी कंडीशन यही थी कि कुछ चीज़ें गांधी जी ने मानी, कुछ इरविन ने मानी, और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो वो हुआ तुम्हारा सबसे बाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 3 और 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? द कांग्रेस मेट एट लाहौर ऑन 29 मार्च टू इंडोर्स गांधी इरविन और दिल्ली पैक्ट। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैड बीन एग्जीक्यूटेड 6 डेज लेटर। यानी कि 29 मार्च को गांधी जी लाहौर, कांग्रेस लाहौर में मिलती है कि गांधी इरविन पैक्ट को समझौता करेगी, और दूसरा कहते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 6 दिन बाद फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो ये थोड़ा सा गलत है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो सज़ा दी गई थी वो 6 दिन बाद नहीं दी गई थी, वो 6 दिन पहले दे दी गई थी। ठीक, बिफोर नॉट आफ्टर। और वो लोग लाहौर में नहीं मिले थे, राइट? लाहौर में नहीं मिले थे, वो लोग मिले थे कराची में। लाहौर में नहीं मिले थे, वो मिले थे कराची में। कराची अधिवेशन की बात है ये, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर फॉल्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर सेंटेंस टू डेथ इन अलीपुर षड्यंत्र केस। नहीं, अलीपुर षड्यंत्र में ये नहीं थे, अलीपुर षड्यंत्र में ये फॉल्स है। अलीपुर षड्यंत्र केस में कौन था, नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये हमें देखना है। द सब्सिडरी अलायंस, जो कि सहायक संधि जिसे कहते हैं, सहायक संधि, हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के लिए सहायक संधि, वॉज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड वेलेसली। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805, ये भी गलत बात है, नहीं है, ये भी सही बात है। सब्सिडरी अलायंस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब कि सब्सिडरी अलायंस की वजह से ब्रिटिश रूल का इंडिया में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल आंसर्स आर ट्रू। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द
ऑब्जेक्टिव ऑफ राजगोपालाचारी फार्मूला 1944। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में आया था। इसमें था क्या, इसके बारे में तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था, वीर सावरकर ने इसको अपोज किया था। ये क्या था कि आज़ादी के बाद जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है और नॉर्थ वेस्ट रीजन है, वहाँ पर हम वो कराएंगे, एक प्लेबिसाइट कराएंगे और वहाँ की जनसंख्या ये डिसाइड करेगी कि हमको पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए। तो बाइफरकेट रीजंस फॉर इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन, टू सीक कॉपरेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो इसका उद्देश्य क्या था कि भैया मुस्लिम लीग हमको सपोर्ट कर दे कांग्रेस को और कांग्रेस एक सेंटर में गवर्नमेंट बना ले। उसके बाद क्या होगा, जब आज़ादी की बात हो, अगर हमको ब्रिटिश आज़ादी दे देती है तो हम मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ में प्लेबिसाइट कराएंगे और वहाँ की जनता डिसाइड करेगी कि उनको पाकिस्तान में जाना है या नहीं जाना है। तो ये भी कहते हैं कि इट वॉज ए टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। राजगोपालाचारी फार्मूला के बारे में कहते हैं कि इट वॉज ए टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। ओके चलो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखो मैंने ये डिस्कस किया था, आपको समझाया था, फिर से क्वेश्चन आ गया। राजगोपालाचारी फार्मूला के बारे में क्या सही है, इट वाज ए टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। कि हाँ टैसिट एक्सेप्टेंस थी भैया, हाँ पाकिस्तान दे देंगे। पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज टू डिसाइड बाई ए प्लेबिसिट, ये भी ठीक है। हिंदू लीडर्स लेड बाई वीर सावरकर कंडेम्ड द प्लान, ये भी ठीक है। नन ऑफ द अबव इज फॉल्स, ये भी ठीक है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, बाबा राम सिंह इनिशिएटेड द कूका मोमेंट, कूका मोमेंट बाबा राम सिंह ने शुरू किया था, सही है। वासुदेव बलवंत फाड़के लेड द महाराष्ट्र बेस्ड रामोसी अपराइजिंग, ये भी सही है। किसान सभा वॉज सेटअप इन 1918, ये भी सही है। कौन थे, गौरी शंकर मिश्रा, इंदूलाल याज्ञनिक, ठीक है, नन इज फॉल्स, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कांग्रेस से गया नहीं था, इसका कोई रिजल्ट था नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे गांधी जी थे, गांधी जी गए थे कांग्रेस से, लेकिन दलित के मुद्दों को लेकर बी आर अम्बेडकर और इनके थाट अलग थे, तो इसका भी कोई कंक्लूजन निकला नहीं था। फोर्थ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम की कोई चीज़ थी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, तो उसमें एक इंडियन फेडरेशन बनाने की बात करी गई थी। मेन चीज़ जो इसकी ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक इंडियन फेडरेशन बनाने की बात करी गई थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, तो ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। आपको अगर ये हमारे साथ जुड़ना है तो आप t.me/strategypcs चैनल पर आइए, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देती हैं, ये हमारी वेबसाइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।